उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा ले रही है। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जाने से पहले पंतनगर एयरपोर्ट पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि मवेशियों के लिए एक धनराशि उन्होंने निश्चित कर ली है, जिसमें बकरी पर 3,000 और दूध देने वाले जानवरों पर 30,000 रुपए और साथ ही आपदा में जान खोने वाले लोगों को 4,00,000 रुपए का मुआवजा उनके परिवारों को दिया जाएगा और किसानों का जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाएगा, जिसके बाद सरकार उन्हें मदद मुहैया कराएगी। तो इस वक्त उत्तराखंड में आफत की बारिश देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण इलाकों का कर रहे हैं, जहां पर वो खुद हवाई सर्वेक्षण कर राहत बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी लगातार बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं, जिसके बाद आज उन्होंने पंतनगर एयरपोर्ट पर प्रेस वार्ता की, जिसके बाद उन्होंने मुआवजा राशि का ऐलान किया है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि मवेशियों के लिए एक धनराशि सरकार के द्वारा निश्चित कर ली गई है, जिसमें दूध देने वाले जानवरों पर 30,000 रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा। साथ ही आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों को भी 4,00,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों का जो कुछ भी नुकसान इस बारिश की वजह से हुआ है उसका भी आकलन किया जाएगा, जिसके बाद सरकार उन्हें धनराशि मुहैया कराएगी। और रिकॉर्ड बरसात का तो टूटा ही टूटा है, पिछले कई सालों की बरसात का रिकॉर्ड टूटा है, उसके साथ साथ जो नुकसान है उसका भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। बहुत नुकसान हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, जगह जगह पुल बह गए हैं, संपर्क मार्ग बह गए हैं, लोगों के घर बह गए हैं, जनहानि हो गई है बहुत बड़े पैमाने पर, और बिजली के सारे जो संपर्क हैं वो कट गए हैं, संचार के संचार कट गए हैं, रोडें सब पूरी तरह से जो है अलग हो गई हैं, साथ में जो है जल की पानी का भी जो है जो सप्लाई है वो काफ़ी जगह पर बाधित हो गई है। और लेकिन सरकार ने पूरे आपदा प्रबंधन तंत्र के साथ मिलकर सभी तरीके से जो है उसको एक तरीके से कोशिश करी है कि इस आपदा को जो है मैनेज करें, आपदा में जो है जो अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो करें, और हमारी तराई में हो चाहे पहाड़ी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र में हो, दोनों क्षेत्रों में फसलों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे उद्योग धंधे सभी इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार हमारे मनोबल को बढ़ाया है, और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कल मैंने यहाँ पर हवाई सेवा, चूँकि बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी और ये सामान्य हेलीकॉप्टरों से उनको नहीं निकाला जा रहा था, तो सेना के उन्होंने 3 हेलीकॉप्टर भेजे जो लगातार यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, लगातार लोगों को निकालने। वहीं उत्तराखंड आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए आम आदमी पार्टी ने कैंडल मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने शहीद मोहन नाथ गोस्वामी द्वार से शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकालते हुए विगत दिनों उत्तराखंड में आई भारी वर्षा से जो आपदा में लोग मारे गए हैं उन सभी को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शहीद स्मारक पर पहुंचकर मोमबत्ती जलाते हुए श्रद्धांजलि देते हुए आपदा में मारे गए लोगों को नमन किया गया और शोक सभा का भी आयोजन किया गया। उन्नीस तारीख को जो हमारी त्राशी यहाँ मची है उत्तराखंड में, बारिश ने जिस प्रकार का तांडव किया है और इस तांडव में हमें मानव हानि हुई है, लगभग 29 लोगों की जो है जाने गई हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, और आगे को भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके शरणों में उनको स्थान मिले और उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
तो लालकुआ में आज आम आदमी पार्टी के द्वारा कैंडल मार्च निकाली गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आई भीषण तबाही के बाद मारे गए सभी लोगों को याद करते हुए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद कैंडल मार्च निकालते हुए सभी परिवारों को सांत्वना देने का काम किया गया है। वहीं चमोली के नारायण बगड़ विकास खंड के डुंगरी गांव में बीते 19 तारीख को मलबे में दबे दोनों ग्रामीणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं एसडीआरएफ एनडीआरएफ सहित पुलिस और राजस्व की टीमें भी मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। उपजिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार खुद मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं। बता दें कि डुंगरी गांव में भारी बारिश के दौरान पानी का स्रोत ठीक करने गए दोनों ग्रामीणों पर चट्टान का मलबा भरभराकर गिर गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने पूरे मामले की सूचना राहत बचाव टीम को दी, जिसके बाद से अभी तक उन दोनों ग्रामीणों की खोज नहीं हो पाई है। जो ये आलियों ढूंगरी की घटना है, बड़ी दुखद घटना है। मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि 19 तारीख से शाम से लेकर अभी तक वो जो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति वो मिले नहीं हैं। और यहाँ पे मैं निवेदन करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ये डुंगरी वाली रोड खुलवा के, ताकि वहाँ पे अन्य मशीनें पहुँच सकें, जेसीबी या अन्य मशीनें वहाँ पे पहुँच पाए और जिससे कि ये दोनों व्यक्तियों को ढूंढा जा सके। वही भारतीय किसान यूनियन तोमर के बैनर तले किसानों ने भगवानपुर तहसील परिसर पहुंचकर एसडीओ पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों की शिकायत की। भारतीय किसान यूनियन तोमर प्रदेश अध्यक्ष युवा भूपेंद्र चौहान का कहना है कि एडीओ व ग्राम विकास अधिकारियों ने 13 व 14वें वित्त आयोग में बहुत बड़े घोटाले प्रधान के साथ मिलकर किए हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए। वहीं अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों की संपत्ति की जांच एसआईटी के द्वारा कराने की भी मांग की गई। तो भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर एसआईटी की टीम से मामले की जांच कराने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन भगवानपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में देखने को मिला है, जहां पर एडीओ पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन तोमर प्रदेश अध्यक्ष युवा भूपेंद्र चौहान ने प्राइम टीवी से बातचीत करते हुए बताया कि एडीओ व ग्राम विकास अधिकारियों ने 13वें और 14वें वित्त आयोग में बहुत बड़े घोटाले प्रधान के साथ मिलकर किए हैं, जिनकी जांच की जानी चाहिए। वहीं अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी अधिकारियों की संपत्तियों की जांच एसआईटी के द्वारा की जानी चाहिए। भगवानपुर विकास खंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है एडीओ पंचायत के खिलाफ। एडीओ पंचायत ने जो है बहुत घोटाले कर रखे हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो, ईडी उनकी संपत्ति की जांच हो, ईडी वगैरह से एसआईटी से सब तरह से उनकी संपत्ति की जांच हो और जो उन्होंने वेद कार्य कर रखे। हाँ, उनके द्वारा भी आके अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने अन्य विकास योजनाओं के संबंध में भी धांधली का आरोप लगाया कि गाँव में इन्होंने दलाल रखे और दलालों द्वारा उनसे पैसा लिया जा रहा है। तो हमने उन्हें ये कहा है इसमें कि अगर कोई दलाल है, गाँव का है, पैसा लेता है, तो पहले तो वो भी गलत है। अगर कहीं पे ऐसी नौबत आती तो खंड विकास अधिकारी यहाँ पे हैं, आप आके यहाँ पे शिकायत करिएगा ताकि वो नौबत वहाँ तक ना आए। लेकिन फिर उन्होंने जो उस पर शिकायतें की हैं लिख के दिया है, उस पर हम नियमानुसार। वही प्रकृति की आपदा उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद टनकपुर जिला चंपावत में शारदा नदी का जलस्तर कुछ कम तो हुआ है, मगर अपने पीछे बहुत से निशान यह आपदा छोड़ गई है। जहां शहरी इलाकों में बारिश रुकने के बाद शांति का माहौल है, वहीं शारदा से लगे ग्रामीण इलाकों में अभी भी बहुत तेजी से भूकटाव की स्थिति बनी हुई है। उचौली गोठ और गैंडा खाली बसानी गोठ में अभी भी भारी भूस्खलन जारी है। बसानी गोठ में जमुना गिरी माई के मंदिर के पास तथा खेत खेड़ा शारदा नदी का भारी भूकटाव लगातार जारी है, जिससे वो कई बीघा फसल इस वक्त शारदा नदी की चपेट में आ चुकी है। तो
चंपावत में भारी बारिश के बाद अब ग्रामीणों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ अब बारिश थमती हुई दिखाई दे रही है, आम जन जो है वो अब सामान्य जीवन जी रहे हैं, बट अभी भी जिस प्रकार से चंपावत में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी दहशत में स्थानीय लोग जीने को मजबूर है, कारण कि शारदा नदी में इस वक्त जल स्तर है वो काफी अत्यधिक हो चुका है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में इस वक्त भू कटान तेजी के साथ जारी है, जिसके बाद से स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जो शारदा नदी का जलस्तर रिकॉर्ड लेवल पर बना है, उसके पश्चात जो शारदा नदी के तटीय क्षेत्र हैं, जिनमें कि ग्राम उचोली गोट से लेके खेतखेड़ा गंडाखाली से लेके शारदा चुंगी तक का जो एरिया है, वहाँ पे नदी द्वारा बहुत ज़्यादा भूकटाव किया गया है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि जो नदी है वो अपने जो उसका नॉर्मल कोर्स है उससे डाइवर्ट होकर भारत की तरफ और हमारी सीमा की तरफ को डाइवर्ट हुई है, जिससे जो वहाँ स्थानीय लोग हैं और जो वहाँ पर किसान हैं उनकी ज़मीनों का भारी स्तर पर जल कटाव हुआ है। ये पिछले कई महीनों से और कई सालों से होता जा रहा है और धीरे धीरे कृषकों। वहीं हरिद्वार स्थित चंडी घाट में बाबा योगी आश्रम में मां बांग्ला मुखी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने बताया है कि इस महायज्ञ में लगभग 600 किलो हवन सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। महायज्ञ शरद पूर्णिमा की शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक जारी रहा। 12 घंटे के इस दिव्य हवन यज्ञ में उत्तराखंड सहित यूपी, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई अन्य प्रांतों से भक्तजन शामिल हुए हैं। सत्य गुरु जी ने जानकारी देते हुए बताया कि बगला मुखी महायज्ञ में दूर दराज के क्षेत्र से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन उत्तराखंड में मौसम खराब और आपदा जैसी स्थिति को देखते हुए कम संख्या में ही लोग शामिल हो पाए हैं। मैं माँ भद्रकाली मंदिर कमेटी का मुख्य संरक्षक हूं, उत्तराखंड बागेश्वर से आया हुआ हूं। गुरु जी के साथ काफी समय से ये इस तरह का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माँ भद्रकाली मंदिर में भी गुरुजी पहले 2 बार साधना करके, एक बार 24 घंटे का हवन और दूसरी बार 12 घंटे का हवन कर चुके हैं। पिछले 5-6 सालों में करीब करीब 25 से 30 हवन हम लोग कर चुके हैं गुरुजी के साथ में, और आज हर की नगरी हरिद्वार में हवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण, जन कल्याण, इसका मुख्य उद्देश्य। मैं उत्तराखंड से नैनीताल ज़िले से आया हूँ और इस हवन में शामिल होने के लिए आया हूँ माँ पीताम्बरा के। तो पीताम्बरा के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, वो सर्व सौभाग्यदायिनी है और ये सर्व सभी के कल्याण के लिए ये, और ये जो महामारी है उससे लोगों को लड़ने में मदद के लिए, उसके लिए ये हवन किया जा रहा है। हमारे सत्य साधक गुरु जी के द्वारा उनके निर्देशन में ये हवन किया जा रहा है, जो हमेशा वो सभी के कल्याण के लिए इस तरह। वहीं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन सभा की बैठक सभागार में आयोजित की गई है, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि दलित खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी माह मसूरी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी शिरकत करेंगे, जिसमें दलित वर्ग के लोगों के उत्थान के बारे में चर्चा की जाएगी और उनके हक की लड़ाई के लिए रणनीति तय की जाएगी। लोगों ने 20 अक्टूबर 2021 आज हम लोग यहाँ मसूरी इंदर होटल में आज हम लोगों ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के पदाधिकारियों की बैठक यहाँ आयोजित की है, और आज हम लोगों ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के सभी पदाधिकारियों से बैठक करके आज हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि अगले माह हम लोग यहाँ पे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज संगठन जो है 40 साल पुराना संगठन है, पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है, तो पूरे आज उसकी मसूरी में, पहाड़ों की रानी मसूरी में उसकी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन बहुत जल्द हमारा संगठन करने जा रहा है, जिसकी तैयारियों के लिए आज हम लोगों ने यहाँ बैठक में बात की है। आज हम लोगों ने उसमें लिए बात की है कि हमारे संगठन रूप। वहीं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की बैठक मीटिंग सभागार में आयोजित की गई, जिसमें दुग्ध समिति की रिक्त हुए 3 स्थानों पर प्रबंध कमेटी में 3 सदस्यों के अनहर्ण होने के बाद नए सदस्यों को शामिल करते हुए प्रबंध कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें 3 नए सदस्यों को
विधिवत रूप से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए सदस्यों का माल्यार्पण किया गया और उनका स्वागत किया गया। इस दौरान नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि पिछले दिनों आचार संहिता के कारण नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सके थे, जिसे आज हुई बोर्ड मीटिंग में निर्णय लेते हुए दुग्ध उत्पादकों को एरियर और कर्मचारियों को बोनस वितरण किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। साथ ही 1,10,00,000 रुपए दुग्ध समिति से जुड़े 29,000 उत्पादकों को एरियर के रूप में वितरण किया जाएगा। रूटीन बैठक थी, लेकिन आचार संहिता के कारण कुछ नीतिगत निर्णय हम पिछली बैठक में नहीं ले पाए थे, जिसमें दुग्ध समितियों से जुड़े उत्पादकों को एरियर देना था और अपने कर्मचारियों का बोनस हमने स्वीकृत करना था। उसके लिए हमने आज बैठक बुलाई थी। इसमें हमने 1,10,00,000 रुपया दुग्ध समिति से जुड़े हुए अपने 29,000 उत्पादकों के लिए एरियर स्वीकृत कराया आज की बैठक में। साथ ही अपने कर्मचारियों हेतु 17% बोनस का प्रस्ताव हमने पारित करके विधिवत अनुमोदन के लिए प्रेषित कराया है, जिसको हम दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को। वही ऋषिकेश में चल रहे ई रिक्शा के खिलाफ ऑटो विक्रम चालक भड़क उठे हैं। आपको बता दें कि चालकों का आरोप है कि ई रिक्शा चालक नियम विरुद्ध हाईवे पर सवारियों को लेकर आवागमन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑटो विक्रम चालकों की आमदनी पर भारी फर्क पड़ रहा है। साथ ही शहर में जाम की स्थिति भी बन रही है। टेम्पो चालकों ने अपनी मांग को लेकर शहर भर में करीब 6 घंटे तक अपने वाहनों के पहिए जाम कर दिए और एआरटीओ कार्यालय का घेराव किया। मौके पर ज्ञापन सौंपते हुए ई रिक्शा के भविष्य में रजिस्ट्रेशन नहीं करने और उनके रूल को निर्धारित करने की मांग की गई। ई रिक्शा MB एक्ट के तहत विधिवत पंजीकृत किए जाते हैं और पंजीकरण के उपरांत उनका जो टैक्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है, वो टैक्स देते हैं और उसके अनुसार वो संचालित होते हैं। अभी इनका ऋषिकेश क्षेत्र में कहीं कोई इस तरह का रूट तय नहीं है कि इस रूट पर चलेंगे, इस रूट पर नहीं चलेंगे। ये तय करने की पावर हमारे अंदर नहीं होती, ये हमारी नियमावली में जो पावर है उसके तहत शासन स्तर से ये निर्णय लिया जा सकता, हमारे लेवल से ये नहीं होता। जो इनकी मांग है, अभी मांग इन्होंने प्रस्तुत नहीं करी है, प्रस्तुत करेंगे तो उस पर फिर जैसा भी रहेगा वो ज्ञापन हम संबंधित जिस भी अथॉरिटी के लेवल से वो काम होगा उस अथॉरिटी को हम भेज देंगे। अभी ज्ञापन नहीं दिया है, ज्ञापन देंगे हैं माननीय RTO साहब को और माननीय RTO साहब के द्वारा माननीय उत्तराखंड सचिव। ज्ञापन हमारा ये है कि शहर की आबादी को देखते हुए और सड़कों को देखते हुए ई रिक्शा के नई रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जाए और पूर्व की भांति जो इनको रूट परमिट दिए गए थे उन्हीं पर उनको वहां पर संचालित किया जाए। इन लोगों ने जो है पहले भी एक मीटिंग हुई थी और हमारा परमिटों का शुरू से ही विरोध रहा है, शहर में सब जनप्रतिनिधियों का विरोध रहा है और उसको देखते हुए ARTO ऋषिकेश, CO ऋषिकेश, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, एक कमेटी गठित हुई थी। उस कमेटी में ये तय हुआ था, इन्होंने तय करा था कि ऋषिकेश शहर के अंदर क्षेत्र के अंदर भी कोई विक्रम ऑटो या अलग वाहन की आवश्यकता नहीं है। उसको देखते हुए इन्होंने कहा था कोई नई आबादी बनेगी या नई कॉलोनी बनेगी उसमें जो है हमने रूट बनाए, उन रूट पर जो है कोई हल्का फुल्का वाहन 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में चल सकता है। तो उसी के आधार पर, इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर शासन के द्वारा ई रिक्शा संचालित की गई थी। बाकायदा मेरे पास में उसका परमिट भी है, उन परमिट को दिया गया था, उनके रूट परमिट दिए गए थे और शासन के द्वारा मेरे रूट परमिट खत्म कर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। और उस परमिट में लिखा हुआ है नेशनल हाईवे इंक्लूड, नेशनल हाईवे पर रिक्शा चल ही नहीं सकती। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम TV के साथ। नमस्कार।